10 साल में देश में फैली सबसे भयानक जंगली आग ने 1100 से अधिक घरों को तबाह कर दिया है। बाढ़ के कारण 20,000 से भी अधिक लोगों को बेघर होना पड़ा है। 2023 इतिहास में सबसे गर्म साल रहा। भविष्य निश्चित रूप से मुझे डरा देता है। हम बहुत ज्यादा ऊपर, तेज और दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि हम यहाँ हैं, क्योंकि आने वाला जलवायु संकट हमारे और पास आ रहा है, जो मानवता को एक नए गर्म मौसम के युग में ले जा रहा है। कुछ लोग होते हैं जो डर फैलाते हैं, और मेरे हिसाब से बुरा ये है, वो तुरंत एक समाधान भी सुझा देते हैं और कहते हैं कि यही हमारी आखिरी उम्मीद है। मुझे लगता है कि अगर कम खपत की संस्कृति की बात करेंगे तो हम लोगों की स्वीकार्यता खो देंगे। मैं melihat sendiri dampak dari perubahan-perubahan। मैं अपनी आँखों से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देख रहा हूँ। हर तरफ सूखा है और हम महसूस कर सकते हैं कि पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रही है। हम समुद्र के स्तर में भी बढ़त देख रहे हैं। मेरे अनुभव के अनुसार मुझे लगता है कि मौसम बहुत गर्म हो रहा है। कौन ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, हम या वो? लेकिन इसे सबसे ज्यादा हम ही भुगत रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन? ये किसकी लड़ाई होनी चाहिए? क्या खतरे को बहुत ज्यादा बढ़ाकर बताया जा रहा है, या फिर इसे बस रोका नहीं जा सकता? मैं आन्या विंडेल हूँ। मैं 26 साल की हूँ और जर्मनी से हूँ। मैं जलवायु परिवर्तन पर पूरी तरह से राजनीतिक विफलता के सामने नागरिक विरोध में शामिल होती हूँ। हम सभी को ये समझना होगा कि हम संकट में हैं और उसी हिसाब से काम करना होगा। खड़ी नहीं हो सकती? मुझे काम पर जाना है, मुझे पैसे कमाने हैं, और मैं तुम लोगों की तरह यहाँ पर बैठकर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती। क्या है ये? क्या तुम ये सब कहीं और नहीं कर सकती हो? और तुम मुझे फिल्म करना बंद करो, वरना मैं शिकायत कर दूंगी। ये लोगों को जलवायु संकट से आगाह कराता है, और बेशक इससे वो नाराज होते हैं। उन्हें बुरा लगता है कि उनके रोज के कामों में अड़चने आ रही हैं। आप बहुत बहस करते हैं और गालियां खाते हैं। आपको ज्यादा जानने की जरूरत है। बात लोगों की तादाद की नहीं है, बल्कि बंटवारे। हवा में CO2 की मात्रा वही है। नहीं, ऐसा नहीं है। संसद में मौजूद लोगों के लिए तुम सिर्फ एक मजाक हो। हर प्रदर्शन में मेरी धड़कन 180 तक पहुंच जाती है, चाहे आप इसे कितनी बार भी करें। आप कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं करते। आप कभी नहीं जानते कि किस समय कोई अचानक गैस पर अपना पैर दबा दे। मेरे लिए सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक थी जब मेरे एक दोस्त को कार के बोनट पर 200 मीटर आगे धकेल दिया गया। मेरे सामने एक ड्राइवर भी यही करने की कोशिश कर रहा था। मैं जल्दी से बैठ गई और अपने हाथों को ऊपर रखा ताकि उसे धीमा कर सकूं। वो मेरे दोस्त के साथ हुई घटना के बारे में चीख कर सबको बता रहा था और खुश हो रहा था।
खुद को सड़क पर चिपका लेने से पहले हम पुलिस के आने तक का इंतजार करते हैं। अगर हम इसे पहले कर लें तो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गुजरने वाले और मोटरिस्ट हिंसक हो सकते हैं और हमें जबरदस्ती से हटा सकते हैं। आन्या लास्ट जनरेशन के साथ है, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जो 2021 से चल रहा है और जिसका मकसद जलवायु संरक्षण की ओर ध्यान खींचना है। इसमें इमारतों पर रंग डालना और कलाकृतियों को नुकसान पहुंचाना शामिल है, साथ ही अस्फाल्ट पर सुपर ग्लू लगाकर हवाई अड्डों और सड़कों को बंद करना भी। नैतिक रूप से मैं राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गलत हथकंडे अपनाने के खिलाफ हूँ। इस मामले में खास तौर पर ये बुरा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और उसके खिलाफ संघर्ष लोगों पर काफी बोझ डाल रहा है। कार्यकर्ता लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यात्रियों को काम पर जाने से रोककर, माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल ले जाने से रोककर और बीमार लोगों को डॉक्टर के पास जाने से रोककर। ऐसा करने से लोग आपके विचारों को स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे विचार से प्रदर्शन और यातायात रोकने से कार्बन डाइऑक्साइड और भी ज्यादा निकलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर तेजी से प्रगति करेंगे, बल्कि इसके उलट। Lasst uns aktiv werden. Ran an die Arbeit, Arbeit bewältigen, Probleme sind nur dornige Chancen. Denken wir growth. Mein Name ist Thorsten Alsle. Mera naam Thorsten Alsle Bin hai. मैं 52 वर्ष का हूं और न्यू सोशल मार्केट इकोनॉमी इनिशिएटिव का CEO हूं, जिसे मेटल और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से आर्थिक सहायता मिलती है। ये बड़ी और मध्यम आकार की मेटल और इलेक्ट्रिकल कंपनियां हैं। उदाहरण के लिए बड़े कार निर्माता ऑटोमोटिव सप्लायर और बॉश, सीमेंस, ये सभी धातु उद्योग हैं। मुझे लगता है कि लगभग सभी कंपनियों के पास जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है और वो सभी बहुत कुछ कर रही हैं। ये काफी होगा या नहीं बताना मुश्किल है। 19वीं सदी के मध्य में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, तब से इंसान ने कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। उन्होंने बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा, इससे वायुमंडल में 2.5 ट्रिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हरित गैसें भी जमा हुई। इस वजह से वैश्विक तापमान बढ़ा, ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और ग्लेशियरों का पिघलना और सूखा पड़ना, तूफान और बाढ़ जैसी घटनाओं का बार बार होना भी है। कई साल पहले कही गई हमारी बातें काफी हद तक सच हो चुकी हैं, और इस संबंध में अगर चीजें ऐसे ही बढ़ती रहीं और आगे भी ऐसा ही होने के आसार हों, तो हमें हमारे ग्रह पर जीवन के आधार पर एक बड़ी गिरावट का मुकाबला करना पड़ेगा। जैसा कि देखा जा सकता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है, हालांकि ये कम होना चाहिए था। 2015 के पेरिस जलवायु समझौते के बाद भी ये बढ़ता रहा। ये बस दिखाता है कि वैश्विक राजनीति जलवायु परिवर्तन का सामना करने में असमर्थ रही। मैं कहूंगी कि हमें तुरंत महत्वपूर्ण फैसले लेने की जरूरत है, लेकिन इसी बीच ये कि अभी इतनी भी देरी नहीं हुई है, हम अब भी मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अंत में तथ्य और तर्क ही काम आते हैं, ये रास्ते बंद करने से ज्यादा प्रभावी होता है। कोई शक नहीं, समाज हमें साफ तौर पर बलि का बकरा मानता है। ये युवा लोग नैतिक तर्क लेकर आ रहे हैं, हालांकि अभी उन्होंने जीवन में बहुत कुछ हासिल नहीं किया है और वो दूसरों को बताना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमारी पिछली पीढ़ी के कुछ लोग 73 साल के हैं, उनके 8 पोते पोतियां हैं और वो ठीक से जानते हैं कि वो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी पीढ़ियों का भविष्य बेहतर हो। हमें वर्तमान से आगे सोचना चाहिए, हम सभी को इससे सीखना चाहिए। हम यहाँ बहुत अच्छे से रहते हैं, खासकर जर्मनी में, लेकिन कहीं और वहाँ हालात कैसे हैं? सभी मुसीबतें अपने आप नहीं होती, हमें कुछ करना चाहिए। हम सभी एक ही ग्रह पर रहते हैं और हम सबको जलवायु परिवर्तन से लड़ना होगा, ताकि हम वाकई कुछ करें। Thank you.
लगभग हर रोज हम में से एक को गिरफ्तार किया जाता है और मेरे एक दोस्त को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। मेरा काम मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं मैंग्रोव पेड़ काटता हूँ। मैं अंटो पुरनोमो हूँ। मैं 38 साल का हूँ और एक दिहाड़ी मजदूर हूँ। भगवान का शुक्र है मैं शादीशुदा हूँ और मेरे चार बच्चे हैं। हम उयोक सिंता राजा में रहते हैं। चिंता राजा, मैं मैंग्रोव से अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। ये वही जगह है जहाँ से मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए पैसे कमाता हूँ। ये हालात मेरे ही नहीं, अवैध लकड़ी काटने वाले मेरे दोस्तों के भी हैं। भाई सामा जुगा सपोर्टी का उनका और कमी यहाँ पर बालक लिया आपने। वर्षा वनों की तरह मैंग्रोव्स भी पृथ्वी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण पौधे हैं। वहाँ कई समुद्री जानवरों का घर होता है और ये तटीय सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। विश्व में लगभग 147,000 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव्स हैं, जिनमें सबसे अधिक इंडोनेशिया और ब्राजील में हैं। हालांकि इंडोनेशिया में खासकर हाल के दशकों में बड़ी संख्या में मैंग्रोव्स को नष्ट किया गया है। ये वैश्विक जलवायु की स्थिरता के लिए एक झटका है। मैंग्रोव्स एक वर्ग किलोमीटर में वर्षा वनों के मुकाबले 4 गुना अधिक CO2 सोखते हैं और जमा करते हैं। तो हम यहाँ हैं और यहाँ हमें घने मैंग्रोव्स जंगल मिलेंगे जो अच्छी तरह से फल फूल रहे हैं और हमें मिलकर उनका संरक्षण करना चाहिए। अगर हमें लकड़ी काटने वाले मिले तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मेरा नाम तौफीक हिदायत है और मैं 24 साल का हूँ। अभी मैं याकोपी एक तटीय संरक्षण संगठन के लिए काम कर रहा हूँ। मैं पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय हूँ। जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा डर है मैंग्रोव्स के नुकसान से तटीय क्षेत्रों में पेड़ों का दोबारा उगना कम होगा। स्थानीय आचेह क्षेत्र पहले से ही सुनामी झेल चुका है और जब मैंग्रोव्स गायब हो जाएंगे और फिर से सुनामी आएगी तब क्या होगा? जलवायु परिवर्तन के साथ साथ ये भी मेरी चिंताओं में से एक है, जिससे हर जगह सूखे और गर्म हवाओं का एहसास हो रहा है। ये और ज्यादा समुद्री जीवन को नष्ट करेगा। ये तटीय क्षेत्रों में स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल रहा है। पेसिसिर kami itu akan berkurang otomatis ekonomi masyarakat juga akan semakin berkurang. Ya, ketika patroli sangat sering kami Hum jab bhi gasht par jate hain तो हमें अक्सर अपने इलाके में लकड़ी काटने वाले मिलते हैं। उनकी वजह हमेशा एक ही होती है, वे अपने परिवार और आर्थिक स्थिति के कारण ऐसा कर रहे हैं और वे पूछते हैं कि क्या वाकई उनका काम इतना नुकसान पहुंचाता है। मैं पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व के प्रति संवेदनशीलता और जानकारी की कमी को देख रहा हूँ। मैं लकड़ी काटने के नतीजों को जानता हूँ, लेकिन मैं इसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और काम नहीं है। मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। मैंग्रोव पेड़ों को काटने के बजाय काश मेरी खुद की मछली पकड़ने की नाव होती, जिससे मैं अपनी रोजी रोटी कमा लेता। पेड़ों को काटना जोखिम भरा होता है। आप कुल्हाड़ी से घायल हो सकते हैं और सांप भी काट सकता है। मुझे अब तक 17 बार सांप ने काटा है। भगवान का शुक्र है मैं अभी भी जिंदा हूँ।
Dari situ dengan adanya इतने सारे मैंग्रोव्स को काटने का मतलब पानी में कम समुद्री जीवन, कम मछलियां और कम सी फूड होना है। मैंने जो कुछ भी जलवायु परिवर्तन के बारे में सुना है वो सच है। मुझे एहसास हुआ कि मुझे छोटी छोटी चीजें करनी चाहिए ताकि कुछ बदलाव ला सकूं, ताकि हम खुद को जलवायु परिवर्तन के अनुसार ढाल सकें। Mit dieser polizeilichen Auflösungsverfügung sind Sie verpflichtet, sich unverzüglich zu entfernen. Kommen Sie dieser jetzt nicht nach, wird unmittelbarer Zwang gegen Sie eingesetzt. जब मैंने अपने आप से पूछा कि तुम अभी ये क्यों कर रही हो, तो ये इसलिए कि हमारे पास अभी भी समय है, अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है और आने वाले 10 सालों में भी बहुत देरी नहीं होगी, क्योंकि जब पृथ्वी तापमान का 10वां अंश गर्म नहीं होती तो इंसानी जिंदगी बचती है। मैं खुद नहीं उठूंगी। नहीं, मैं तुम्हारी नाक के नीचे अपना हाथ रखूंगा और इससे तुम्हें दर्द होगा, ठीक है? अगर कोई मुझसे कहता है उदाहरण के लिए कि ये इतना खराब नहीं होगा, तो मैं सच्चाई के साथ अपने मुद्दे पर बहस करने की कोशिश करती हूँ। मैं उन्हें बताती हूँ कि आने वाले दिनों में जर्मनी में पीने के पानी की आपूर्ति भी खतरे में है। हमारी कृषि व्यवस्था अब काम नहीं करेगी, इससे संसाधनों की कमी होगी और समाज में बड़ी खलबली मचेगी। हमें लोगों को जलवायु परिवर्तन को भयानक रूप में नहीं दिखाना चाहिए। पहले ही कई अच्छी तकनीकों ने अच्छे बदलाव किए हैं। शायद हम कुछ और ऐसा खोज पाएंगे जो CO2 को कम करता हो और उसे अधिक प्रभावी तरीके से जमा करता हो। इसका मतलब होगा कि हम सभी कोयले से चलने वाले ऊर्जा संयंत्रों को चालू रख सकेंगे, क्योंकि वो CO2 को वायुमंडल में नहीं छोड़ेंगे। हम अभी तक नहीं जानते कि आगे क्या होगा। हम ऐसा ही करते नहीं रह सकते और इसलिए हम सड़कें रोकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ जर्मनी में खास तौर पर हम ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं जो जलवायु आपदाओं का सामना कर रहा है, लेकिन यहाँ प्रभाव दक्षिणी गोलार्ध के देशों जैसा नाटकीय कतई नहीं। जब मैं किसी व्यक्ति के काम पर जाने के रास्ते को रोकती हूँ तो उसे बुरा लगेगा, ये तो साफ है ही, ये अच्छा नहीं लगता। हम भी ऐसा करके खुश नहीं होते, लेकिन इसका मुद्दा साफ तौर पर सामान्य हालात को बदलने से है, क्योंकि आखिर में हर व्यक्ति जिससे हम मिलते हैं, संभावना है कि वो वैश्विक आबादी के सबसे अमीर 10% में से हो, वो ग्लोबल नॉर्थ के सबसे धनी 10% में शामिल हो जो वैश्विक उत्सर्जन के 50% के लिए जिम्मेदार हैं। हम सभी अपराधी हैं और संभावित समाधान का भी है, और ये हमारी जिम्मेदारी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब बात आती है कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन है, तो स्वाभाविक रूप से ये एक संयुक्त जिम्मेदारी है। लेकिन यदि आप इसे वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो कई उत्तरी राष्ट्र अपने उत्सर्जन और उद्योग के कारण बड़े प्रदूषक हैं। मुझे लगता है कि सामान्य तौर पर औद्योगिक देशों की ये जिम्मेदारी ज्यादा है। उन्होंने अपने CO2 उत्सर्जन से लाभ उठाया है और जलवायु परिवर्तन की ज्यादा परवाह नहीं की है। मुझे विश्वास है कि हमने जलवायु की कीमत पर जिंदगी जी है। लंबे समय से अमेरिका, रूस और यूरोप के औद्योगिक देशों ने सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है। हालांकि अब सबसे ज्यादा सालाना उत्सर्जन चीन से होता है, जबकि भारत, जो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, अब तीसरे स्थान पर है। दुनिया के बहुत से गरीब राष्ट्रों में, जैसे कि अफ्रीकी महाद्वीप का जलवायु परिवर्तन में सबसे कम योगदान है, लेकिन उन्हें इसके परिणाम सबसे ज्यादा झेलने पड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन सामाजिक असमानता की एक नई समस्या है। कुछ गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने इसके परिणाम सबसे ज्यादा महसूस किए हैं। लेकिन वास्तव में देश के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे अध्ययन हैं जो दिखाते हैं कि जो लोग अधिक गरीब होते हैं उन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से ज्यादा दिक्कतें होती हैं, चाहे पानी की कमी हो, चरम मौसमी घटनाएं हों
तूफान, टोर्नेडो, बाढ़। दूसरी बात यह है कि जो धनी होते हैं वो थोड़ा अधिक सुरक्षित होते हैं, लेकिन सच में वो बड़ी वजह होते हैं। इसलिए ये एक प्रकार का आईना है। यहाँ पर बड़ी असमानता है। आप समस्या की बड़ी वजह होते हैं, लेकिन आप पर इसका असर सबसे कम होता है। जो राष्ट्रों पर लागू होता है वो व्यक्तियों पर भी लागू होता है। जहां एक औसत के न्याय का वार्षिक कार्बन फुटप्रिंट सिर्फ 500 किलोग्राम है, वहीं इंडोनेशिया में ये प्रति व्यक्ति लगभग 2.5 टन और जर्मनी में लगभग 8 टन है। हालांकि ये दुनिया के सबसे अमीर लोग ही हैं, जो बहुत बड़े अंतर से सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करते हैं, करोड़पति और अरबपति। बेशक मुझे इस बात का गुस्सा है कि जर्मनी उन देशों में से एक है जिन्होंने अब तक इंडोनेशिया की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है। इंडोनेशिया एक विकासशील देश है, लेकिन हम हैं जो ग्लोबल नॉर्थ में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो कहाँ हैं? क्या हम उन्हें देखते हैं? नहीं, वो सिर्फ संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। ज्यादा नुकसान कौन कर रहा है, हम या वो? हम सिर्फ नतीजे भुगत रहे हैं। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। मैं जर्मनी में पैदा हुई हूँ, जो धरती के उत्तर में है, और ये भी सोचती हूँ कि मैं समस्या में ज्यादा योगदान दे रही हूँ। मेरी अपनी जीवन शैली बहुत अधिक नुकसान पहुँचाती है, खासकर उन लोगों के मुकाबले जो नाइजीरिया में रहते हैं। Warum machen wir das? Weil wir mit einer schreienden Ungerechtigkeit konfrontiert sind. Diejenigen, die immer noch weiter zur Eskalation der Klimakatastrophe beitragen, sind gleichzeitig diejenigen, die es am allerwenigsten ausbaden müssen. मैंने दुनिया में होने वाले दुख और पीड़ा को इस हद तक महसूस किया है कि मैंने आत्महत्या तक करने की सोची। मैं जितना संभव हो सके उतनी अच्छी तरह जीने की कोशिश करती हूँ, जैसे हवाई जहाज से सफर ना करना, शाकाहारी खाना खाना। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। मुझे लगता है कि तहजीब में बदलाव की जरूरत है। हम खुद को इस बात से परिभाषित न करें कि कौन कहाँ कैसे और कब छुट्टी पर गया। मुझे नहीं लगता कि अगर लोग हवाई जहाज से सफर करते हैं तो उन्हें नैतिक रूप से शर्मिंदा करना सही तरीका है, क्योंकि इससे कोई समस्या हल नहीं होगी। ये वैश्विक जलवायु की समस्या में मदद नहीं करेगा। धरती का उत्तरी भाग सबसे बड़ा दोषी है, लेकिन अगर हम सिर्फ नुकसान का जिम्मेदार ढूंढने में लगे रहेंगे तो हम समय बर्बाद करेंगे। हमें कार्रवाई करने की जरूरत है। जलवायु संकट को रोकने के लिए वास्तव में सभी देशों को एक साथ जुड़ने वाले नियमों की जरूरत होगी। आखिरकार ये पूरी दुनिया की समस्या है और हमें इसे मिलकर ही हल करना होगा। लेकिन एक समस्या ये है कि कुछ देश अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका केवल 2% या 0.2% ही कार्बन उत्सर्जन का हिस्सा है। उन्हें लगता है कि कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। हमें जलवायु की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन इस तरह से जिससे देश की आर्थिक नींव को कोई भी खतरा ना हो, और ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। जर्मनी का उद्योग विश्व बाजार में बहुत प्रतिस्पर्धी है, यही कारण है कि हम निर्यात करने में दुनिया में सबसे अच्छे हैं या सबसे अच्छों में से हैं। इसका मतलब है कि निर्यात हमारे बने रहने के लिए बहुत अहम है, और इसके बिना हमारी आर्थिक प्रणाली और सामाजिक सामंजस्य ढह जाएगा। जलवायु संकट का खतरा जर्मनी की व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा है। 2050 तक ये हमें 900 अरब यूरो के लगभग नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हमें खुद को बचाना है और हमें अर्थव्यवस्था को भी बचाना है, तो अब हमें जल्दी से बहुत कुछ बदलना होगा। हमें ढांचे में बदलाव करने होंगे और अन्य विकल्प देखने होंगे। बेहतर होगा यदि ये सब विश्व स्तर पर हो। एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जो कहती है, हम भी अपने लोगों, अपने युवाओं को समृद्धि देना चाहते हैं, हम उन्हें सुरक्षित नौकरियां देना चाहते हैं, हम उन्हें विकास और वृद्धि के अवसर देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इनमें से अधिकांश देश केवल विकास पर ध्यान देते हैं और पर्यावरणीय प्रभाव पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
हम इंडोनेशिया में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से पीड़ित हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडोनेशिया में बर्बादी और नुकसान पहुंचाने वाले लोग नहीं हैं। बहुत सालों तक इंडोनेशिया जलवायु परिवर्तन के लिए कम जिम्मेदार था, लेकिन पिछले 35 वर्षों में देश ने बड़े पैमाने पर कोयले को जलाना शुरू किया और अपने वनों और मैंग्रोव्स की कटाई भी की है। इसी बीच इंडोनेशिया में सूखे और बाढ़ का असर बढ़ता गया है और इसकी राजधानी जकार्ता बहुत तेजी से डूब रही है। मुझे डर है कि उभरते देशों में उत्सर्जन बढ़ता रहेगा, लेकिन मैं उस देश को टोक नहीं सकता हूं, जो अपने यहाँ जीवन काल को 30 से 50 वर्ष तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये संभव है, लेकिन तभी हो सकता है जब सब कुछ पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाए, क्योंकि वो न्यायोचित नहीं होगा। जब बात आती है कि क्या हमें जलवायु परिवर्तन से पहले आर्थिक प्रगति करनी चाहिए, तो मुझे यकीन नहीं है कि आर्थिक विकास सबसे पहले आता है। अगर हम ये इंतजार करें कि हम पहले आर्थिक रूप से विकसित हो जाएं, फिर जलवायु परिवर्तन का सामना करेंगे, तो उस समय पर्यावरण की स्थिति क्या होगी? क्या जरूरी है, पहले समृद्ध होना या पर्यावरण की रक्षा करना? मेरी राय में पर्यावरण सबसे पहले आता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन पर्यावरण नष्ट हो गया है, तो आप सच में अमीर नहीं हो सकते। मौजूदा सरकार ऐसा क्या कर सकती है ताकि वो आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बना सके? वो सस्टेनेबल विकास को अपना सकती है, जिसमें आर्थिक विकास के सभी प्रभावों को ध्यान में रखा जाए और पेड़ पौधों की कटाई को कम किया जाता हो। उसके अलावा सरकार ऊर्जा उत्पादन में जीवाश्म ईंधन से अक्षय ऊर्जा की ओर जा सकती है। साथ ही मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन देशों को वित्तीय सहायता और अक्षय ऊर्जा पर ध्यान देने का मौका मिले। गरीबी वास्तव में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के हमारे प्रयासों में एक निर्णायक कारक है, क्योंकि अगर लोगों को आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस होता तो वे निश्चित रूप से जंगलों में जाकर पेड़ काटना बंद कर देते। जो लोग अभी जीविका कमाने के लिए जंगलों को काट रहे हैं, उन्हें किसी और तरह से आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मेरा एक ही लक्ष्य है, हमारे जैसे अवैध लकड़हारों के लिए कुछ बदलाव हो। लोग सिर्फ ये न कहें कि हम कुछ बर्बाद कर रहे हैं। जब हमारे पास आजीविका कमाने का कोई और तरीका नहीं है, हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि हमारे पास कुछ और करने के लिए है ही नहीं। हमें नाव या कुछ और खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है और वो हमारे पास है नहीं। हम अमीर लोग नहीं है। मुझे लगता है कि हम सब अभी भी एक वैचारिक मतभेद में हैं। मुझे लगता है कि जो लोग जलवायु संकट को नकारते हैं, उन्हें ये समझने में बहुत दिक्कत आ रही है कि हम किस समस्या से जूझ रहे हैं। केवल कुछ ही युवाओं को पर्यावरण के बारे में जानकारी है। शायद तकनीकी प्रभाव के कारण वे पर्यावरण के प्रति लगभग उदासीन हो गए हैं। हम जब उनसे इस बारे में बात करते हैं तो वे इस बारे में बेपरवाह हैं। वे इसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहते। उन्हें प्रकृति की थोड़ी समझ है और ज्यादातर लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है। Ich
मुझे समझ में आता है कि लोग हालात की सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, लेकिन अंत में अगर हम सिर्फ आंखें मूंद लें तो समस्या दूर नहीं होगी। अगर हमें ये मालूम है कि संकट कितना भयानक हो सकता है और हम इसे अभी भी नजरअंदाज कर रहे हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से खुद को बचाएंगे। कुछ क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणाम पहले से ही नजर आ रहे हैं और भविष्य में और भी ज्यादा होंगे, लेकिन कई लोग अभी तक बदलाव महसूस नहीं कर रहे। वो महसूस करते हैं जलवायु परिवर्तन की लड़ाई से जुड़े प्रतिबंधों को। दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों को दशकों से पता था कि जीवाश्म ईंधन जलाने से पर्यावरण के लिए हानिकारक ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, लेकिन वर्षों तक उन्होंने जो कुछ भी जाना उसे छुपाया और जलवायु परिवर्तन को नकारने वालों का समर्थन भी किया। कई साधारण लोग भी लंबे समय तक जलवायु परिवर्तन को नकारते रहे और पर्यावरण और अन्य मनुष्यों पर इसके परिणामों पर आंखें मूंदे रहे, और ये आज भी जारी है। जलवायु परिवर्तन की समस्या बहुत ही जटिल है और इसका कोई सीधा और स्पष्ट नजरिया नहीं है। मेरे व्यवहार के प्रभाव और किसी भी कारखानों के प्रभाव के बीच कोई सीधा संबंध नहीं दिखता है जिसे हम सीधे पकड़ सकें। इस प्रकार की जानकारी को समझना इंसानी दिमाग के लिए मुश्किल होता है। जर्मनी में जलवायु नकारात्मकता उन लोगों के बीच अधिक है जिनके पास बहुत कुछ खोने के लिए है, जिनके पास कई विशेषाधिकार हैं और जो समाज में अपनी स्थिति खोने से भी डरते हैं। मुझे लगता है कि सहानुभूति की कमी वास्तव में एक बड़ी समस्या है, बल्कि लोग इसके प्रति सुन्न हो गए हैं। आप बार बार वही तस्वीरें देखते हैं। मुझे विश्वास है कि कई लोग निरंतर बुरी खबरों से घबराए हुए हैं और ये भी नकारात्मकता में योगदान दे रहा है। दूसरी ओर ये भी जरूरी है कि आप कार्रवाई के प्रति उत्साह महसूस करें। मैनेजमेंट कंसल्टेंट कहते हैं कि अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो आपकी सोच तुरंत कार्रवाई की होनी चाहिए, और ये कुछ ऐसा है जो अभी तक कई लोगों के पास नहीं है। जब हम उन कुछ युवाओं से मिलते हैं जो समस्या को समझते हैं, तो हम उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं और साथ मिलकर छोटे छोटे काम करते हैं जो जलवायु परिवर्तन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य है कि मैं जितना संभव हो सके अधिक से अधिक युवाओं को सक्रिय होने और ये समझने के लिए आमंत्रित करूं कि हमें वाकई में एक बेहतर भविष्य सुरक्षित करने के लिए बड़ी कोशिश करनी होगी। यदि हम स्थिति को सुधारने के लिए कोशिश नहीं करते हैं तो हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ियां इसके परिणाम भुगतेंगे, इसलिए हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, भले ही ये केवल तटों पर मैंग्रोव्स और अन्य पौधे लगाना हो। मेरी आशा है कि एक शानदार भविष्य होगा। मैं विश्वास करती हूँ कि लोगों में अच्छाई है। ये हर व्यक्ति की कोशिश है कि वो अपने व्यक्तिगत संसाधनों के साथ जो कुछ भी कर सके वो करें, और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोग होते हैं जो बुरा करना चाहते हों। मैं आशावादी हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि लोग बदली हुई स्थितियों का ठीक तरीके से जवाब दे सकते हैं। मानवता का पूरा इतिहास दिखाता है कि इसकी सफलता का राज यही है कि लोग नई परिस्थितियों में ढल सकते हैं। Memang benar kita berukasar ini paling mampu bekerja sampai मैं 50 साल की उम्र तक ये मुश्किल काम कर सकता हूँ अगर भगवान ने चाहा। फिर अपनी बचत से मैं एक छोटी सी दुकान खोलना चाहूँगा ताकि मैं अपने परिवार के लिए पर्याप्त पैसे कमा सकूँ। इससे मुझे खुशी होगी। भविष्य के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी के साथ खुशी से रह सकूँ और मेरे बच्चों को भरपेट खाना मिले। मैं चाहता हूँ कि वो स्कूल जाएं और शायद यूनिवर्सिटी भी। मेरे लिए इतना ही काफी होगा। Kelaparan, anak saya sekolah bisa sampai keinginan sekolahnya perguruan tinggi, itu sudah cukup bagi saya.